तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कीबोर्ड डाउनलोड करना। मान लीजिए आपके सिस्टम का कीबोर्ड ख़राब हो चुका है या काम नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, इसलिए आप कीबोर्ड डाउनलोड करना इसलिए आपको कीबोर्ड डाउनलोड करना ज़रूरी होता है। तो आज चलिए बताते हैं किस तरह कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं। कीबोर्ड डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है इस वेबसाइट का। जैसे अभी लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे फ्री वर्चुअल कीबोर्ड, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्री डाउनलोड। फ्री डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अब ये डाउनलोड होगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डाउनलोड हो चुका है। अगर आपका ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए इस तरह का ऑप्शन आपको आएगा, तो यहाँ पे रन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का आपके पास सेंटोफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे कैरियर डेस्कटॉप साइट रहने देना, इसमें टिक मार का उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे देख पा रहे इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे भी सिस्टम पे हमको कीबोर्ड का एक आइकन भी आ चुका है। ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ खोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्रोम खोल ओपन किया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करना है, मान लीजिए यूट्यूब सर्च करेंगे तो यहाँ पे वाई क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब आ रहा है वाई ओ यू, जो इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे इंटर बटन में क्लिक कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा काम कर रहा है और देख लीजिए कितने अच्छे से ओपन हो चुका है। और यहाँ सर्च बॉक्स पे भी क्लिक करेंगे फिर भी ये कीबोर्ड आपका नहीं हटेगा। और यहाँ पे कैप्स लॉक पे क्लिक करेंगे, बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हैं वो बड़ा छोटा आप यहाँ से लिखते हैं। शिफ्ट भी मान लीजिए कहीं कहीं आपको बहुत दिक्कत होता है जिसमें आपको एक साथ कंट्रोल अलर्ट शिफ्ट प्रेस करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इस तरह का ये आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे ये हटते जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक साथ कंट्रोल एफ दबाएंगे तो एक साथ कंट्रोल एफ इस कीबोर्ड की मदद से कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, जैसे कंट्रोल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद एफ पे क्लिक कर देंगे। तो कंट्रोल एफ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सर्च का जो आइकन आ चुका है, जो भी आप दीजिएगा वो आप यहाँ पे आ जाएगा। एक साथ एक से ज़्यादा की बटन को भी यूज कर सकते हैं, मान लीजिए शिफ्ट को, कंट्रोल को और जेड को, जिसको भी एक साथ सेलेक्ट करना चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सभी तरह के कीबोर्ड मिल जाएंगे, स्पेस वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत अच्छी ये कीबोर्ड आपको मिलेंगे। यहाँ पर स्पेस बटन भी हो जाएगा, ये विन हो जाएगा। और देखिए ये जो कीबोर्ड, ये कीबोर्ड का हाईलाइट, ये कीबोर्ड का हाईलाइट भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कीबोर्ड का हाईलाइट ये कम कर सकते हैं, देखिए पता नहीं चला, हल्का थोड़ा सा पता चला है कीबोर्ड का। ठीक है, हाईलाइट यहाँ से कम कर सकते हैं, कीबोर्ड का ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कीबोर्ड हो गया, इसको आप क्लोज भी यहाँ से क्लोज कर देंगे, कट गया। फिर आपको जब ओपन करना है तो यहाँ पे आपके सिस्टम पे जो ये आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये कीबोर्ड आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। बहुत अच्छा कीबोर्ड है, अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया या काम नहीं कर रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा ये इंग्लिश कीबोर्ड हो गया। अब चलिए हमको हिंदी कीबोर्ड में ही काम करना है, मान लीजिए हिंदी कोई चीज़ टाइप करना है, उसमें किस तरह टाइप कर पाएंगे। अगर आप इस कीबोर्ड की मदद से हिंदी टाइप करेंगे बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है गूगल इनपुट। तो चलिए गूगल इनपुट की वेबसाइट पे आते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ से आप बहुत आसानी से हिंदी को भी टाइप कर सकते हैं जिस तरह आप इंग्लिश टाइप किया। तो यहाँ पे देखिए इस गूगल टूल पे आएंगे तो यहाँ पे एक पहले से भी एक कीबोर्ड आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये पहले से आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। ठीक है,
ये कीबोर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपका जो सिस्टम है जो कीबोर्ड ये वाला, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये जो कीबोर्ड ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है, इसमें सारे बटन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कीबोर्ड हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस टाइप में आपको चाहिए, कौन सा लैंग्वेज में चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे आप हिंदी कर दीजिए, मुझे हिंदी में चाहिए, तो हिंदी मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कीबोर्ड ओपन करता हूँ, जिस तक कोई भी चीज़ लिखेंगे, जिस तक मैं बिहार लिखेंगे तो यहाँ पे बी आई एच ए आर, तो बिहार लिख दिया। यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आ चुका, जो भी सही है वो सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह व्हाट्सएप पे लिखते हैं उस तरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिहार का राजधानी। तो इस तरह आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने लिखा बिहार की राजधानी इंग्लिश में लिखा था इस कीबोर्ड में, और यहाँ पे हिंदी हो चुका है। अब इसको डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जाकर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं आराम से। अब पेस्ट आप इस कीबोर्ड की भी मदद से कर सकते हैं, कंट्रोल वी से। तो कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए कंट्रोल सेलेक्ट हो चुका है, उसके साथ वी सेलेक्ट कर देंगे। पहले इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वी पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ देखिए पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट भी आ चुके हैं उस हिसाब से जो मैंने पेस्ट किया है। तो बहुत अच्छा ये कीबोर्ड आपको मिल जाएगा इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश में आपको, और इसको हिंदी में किस तरह टाइप करते उसके लिए आपको गूगल इनपुट टूल पे जाना होगा। यही था आज का ये कीबोर्ड डाउनलोड करने का प्रक्रिया, और कीबोर्ड में किस तरह इंग्लिश डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी डाउनलोड करते हैं, हिंदी किस तरह लिखते हैं, इंग्लिश किस तरह लिखते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको बहुत सारे सैम्पल, मतलब अगर कोई चीज़ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो सैम्पल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी दिए गए चैप्टर, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आपको आइकन चाहिए वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ड्रो मतलब किस टाइप का चाहिए वहाँ, ये आप यहाँ ड्रो करके बना सकते हैं। तो मुझे एट द रेट चाहिए, तो अब मैं एट द रेट ए लिख दिया इस तरह का, ठीक है, एट द रेट दिया। तो अब एट द रेट का इस ये जो मैंने इस तरह का जो आइकन है वो यहाँ पे आपको शो कर दिया, यहाँ देखिए एट द रेट कितने अच्छे से आ गया है। ठीक है, तो इस पर इज लेना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको आइकन चाहिए उसका आप यहाँ पे एक ड्रॉ करके उसका एक नमूना बना लीजिए, जिस तरह मैं इसका एक नमूना बनाता हूँ। तो मैंने एक नमूना इस तरह का बना दिया, और या इस तरह के जितने भी रिजल्ट है तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में सभी तरह के रिजल्ट आ चुके हैं। अब दूसरे मैं बनाता हूँ एक, ये देखिए मैंने दिल बनाया, तो यहाँ पे दिल का जो आइकन है नमूना उस टाइप का बहुत सारे यहाँ पे आ चुका है। ये भी आप टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। अब चलिए इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लोज। तो इसी तरह आप कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, कीबोर्ड में इंग्लिश लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, और स्पेशल जो होता है कैरेक्टर वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि किस तरह कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाई, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। और ये जो सिंपल स्टेप, ये सिंपल स्टेप बहुत अच्छा सिंपल स्टेप है, ठीक है। और यहाँ पे ये कीबोर्ड आप डाउनलोड इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये कीबोर्ड बहुत अच्छा वर्क करता है, इसमें आपको सभी तरह के बटन मिल जाते हैं, एक साथ आप एक से ज़्यादा बटन को प्रेस भी कर सकते हैं एक साथ, चाहे कंट्रोल अलर्ट जेड जो भी चाहे आप एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बटन नहीं है जो कीबोर्ड में है और इस कीबोर्ड में नहीं है, ठीक। और यहाँ पे एक अच्छा भी एक ऑप्शन मिलता है, मतलब कीबोर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं ज़्यादा कम, यानी पता नहीं चले कीबोर्ड है या नहीं है, ज़्यादा कर देंगे तो वो भी सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। बहुत अच्छी कीबोर्ड आपको इस वीडियो में मैंने बताया, तो इस कीबोर्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपको मिलती रहे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर करना
बिल्कुल ना भूलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको वो कमेंट करके आप हमें बता दें, हम पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को आप तक पहुंचाने का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के साथ अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियो कैसा लगा तो उसके लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।